मुंब्रा के बीचों बीच बन रहा है सबसे लग्जरियस और प्रीमियम प्रोजेक्ट डीजेड सिटी। कंप्लीट मॉडर्न एमिनिटीज और कंप्लीट कनेक्टिविटी देता है आपको डीजेड सिटी। डीजेड सिटी की टीम प्रॉमिस करती है आपको क्वालिटी और ऑन टाइम डिलीवरी। डीजेड सिटी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबरों पर कॉल करें। मुंब्रा स्टेशन पर पटरी क्रॉस करने के दौरान हुई एक की मौत, यात्रियों में मचा हंगामा, लोगों ने किया कोहराम, देखिए कैसे थे हालात। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 17 अगस्त बुधवार के दिन लगभग 12 बजे के आसपास, 11 से 12 के बीच मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर एक हादसा हुआ। जो पुराने प्लेटफॉर्म थे जिन्हें अब नए 3 नंबर 4 नंबर बना दिया गया है, जहां से फास्ट ट्रेनें और एक्सप्रेस ट्रेनें गुजरती है, यहां से होकर के नए बनाए गए प्लेटफॉर्म को जो 1 नंबर 2 नंबर किया गया है, वहां तक जाने के लिए खास करके बुजुर्गों को, विकलांगों को काफी परेशानी होती है, बीमार लोगों को जाने में काफी परेशानी होती है। इसी के चलते कई बार लोग पटरी क्रॉस करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसी वजह से सुबह यह दुर्घटना हुई है, मगर इस दुर्घटना ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया और एस्केलेटर, लिफ्ट, इसका काम दिखावे के लिए शुरू किया गया है, मगर अब तक यह काम कछुआ गति से ही चल रहा है। कछुआ गति का यह काम कितने मुंब्रा कौसा के लोगों की जान लेगा, ऐसा सवाल अब लोगों द्वारा खड़ा किया जा रहा है। लोग यहां के जनप्रतिनिधियों को भी कोस रहे हैं और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नेता आते हैं, काम करने के लिए नहीं आते, इस तरह की बातें भी लोगों द्वारा की जा रही है। देखिए सुबह 11 से 12 के बीच इस दुर्घटना के वक्त किस तरह का माहौल था मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर। लोगों ने स्टेशन मास्टर को भी घेरा, क्या रेलवे स्टेशन मास्टर से बातचीत हुई, उसके साथ पूरी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। दो साल से एक्सीलेटर लाइने लगा रहे क्यों नहीं है मुंब्रा में, छोटे से छोटे रेलवे स्टेशन पे एक्सीलेटर है, फास्ट ट्रेन वहाँ बना रहे, इतने मुसलमान बुड्ढे लोग यहाँ से चढ़ेंगे कैसा? अरे सुबह से तुम लोग रेलवे पुलिस है ना, हुआ है ये बोलता हमको मत बोलो, हमको मत बोलो, ये भी तो रेलवे पुलिस है ना, ये भी तो रेलवे, ये भी तो रेलवे पुलिस है ना, ये बोलता हम लोगों की मेरे को मत बोलो, किसको बोलेंगे जब ये सुरक्षा नहीं कर सकते, बोलेंगे यहाँ पर हटाओ इन लोगों, सबको हटाओ, ये रेलवे पुलिस बोलती है हम लोग को मत बोलो, नहीं मांगता रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस बोलती है हमको मत बोलो, ये बोलता है मैं रेलवे पुलिस नहीं हूँ, नहीं है तो पुलिस तो कपड़ा उतारे जाए अपना ड्यूटी, घर पे बैठे क्या है ये सब, नहीं साहब बुलाओ अपने सीनियर, बात करेंगे, फास्ट ट्रेन नहीं आ रही, एक फास्ट ट्रेन नहीं रुकती, एक फास्ट ट्रेन करो, फास्ट ट्रैक, एक भी फास्ट ट्रेन नहीं चलेगा फास्ट ट्रैक यहाँ पे, अरे पब्लिक भी तो मुंह बंद रखती है, तुम्हारे साथ कोई दे रही है, चार लड़के जा रहे उधर पे एक्सीलेटर क्यों नहीं लगा रहे, मिल जाओ देखो फास्ट ट्रेन कैसा नहीं रुकता, फास्ट ट्रेन पहले वहाँ से जाता था ना, हाँ यहाँ से क्यों जा रहा है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, लास्ट में आप लोग यही करेंगे, उठाएंगे और चले जाएंगे, मत उठाओ, मत उठाओ, मर गया है, मत उठाओ रेंदो, अगर यहाँ पे एक्सीडेंट बचाना है, सबकी फैसिलिटी टूटनी है तो सब ट्रैक पे आ जाओ भाई, हाथ जोड़ो, आओ मुसलमान नहीं है क्या, आओ नीचे, आओ नीचे, आओ नीचे, सामने वाला रुकाएगा नहीं,
फाइन लेते ना इन लोग कुछ नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं चालू कर रहे? ऐसे नहीं चालू होता, मुंबई शहर में हेडक्वार्टर है, वहाँ से होता है। पैसा यहाँ भरते, पैसा यहाँ भरते। 500 रुपया फाइन लेते हैं, 500 रुपया। ये रुकना भाई, मेरी बात अच्छे से सुन लो, ठीक है? प्रोफेसर मैं बोल रहा हूँ। जो भी बड़े डिसीजन है डीआरएम ऑफिस में लिए जाते हैं। डीआरएम ऑफिस किधर है आपका? सीएसटी में। सीएसटी में जवाब नहीं है सर, आपके पास कोई जवाब नहीं है? जवाब दे दिया आपको मैं। आप ये कुर्सी पे क्यों बैठे सर? तुम लोग यार एक आदमी को बात करो यार। दादा 2 मिनट यार, अपन किसी के लिए लड़ रहे यार, अपने घर का नहीं तो क्या हुआ यार? आप यहाँ पे क्यों बैठे हो सर? आप यहाँ पे क्यों बैठे हो सर? आपकी जब कुछ सुनवाई नहीं हो रही है तो आप मैनेजर किस बात की? सुनवाई हो गई भाई। क्या हुई? एक्सीलेटर क्यों नहीं बना? बन रहा है ना। कितने दिन में बनेगा? का काम जरा, एक ईट नहीं लगी एक्सीलेटर की? हाँ, एक ईट नहीं लगी एक्सीलेटर की? आप यहाँ पे बैठे, आपने उसका जवाब नहीं दिया मुझे, आप मुझे उसका जवाब दो पहले। आप मैनेजर हो, आप मैनेजर, आपकी सुनवाई नहीं हो रही। आप बोल रहे हो आप कुछ वहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हो तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? हो रही है, हो रही है, सुनवाई हो रही है? हाँ या ना? मैं बोला आपको सुनवाई हो रही है। डिसीजंस वहाँ डीआर ऑफिस लिए जाते हैं। तत्काल तत्काल पर बात तो कुर्सी खाली कर दो। सुनो ना, 2 मिनट हो चाचू, आपकी सुनवाई हो गई? आपने कितने महीने से कंप्लेंट कर रहे हो आप? आपका नाम लेके कंप्लेन आपको पहुँचाया गया है, आप बोलिए, आप बोलिए, कंप्लेन कितनी बार आपने पहुँचाया डीआरएम को? सर कितनी बार कंप्लेंट किया है आपने डीआरएम को? कितनी बार कंप्लेंट किया? कितनी बार? अभी वो देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपने लिखा ना, आपने लिखा ना, तो कितनी बार आपने किया? कितनी बार भाई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिराजुद्दीन सिद्दीकी है, मैं ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता हूँ। भाई ये अभी मुमरा रेलवे स्टेशन पे, मुमरा रेलवे स्टेशन पे क्या विवाद चल रहा था और क्या ऐसी बात हो गई जो इतना बड़ा हुआ? मैं अभी जा रहा था ऑफिस के लिए अपने, मैं ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता हूँ, तो जस्ट मैंने एक एक्सीडेंट देखा छोटा सा, तो मैं रुका यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब कुछ चीजें हो रही थी जो मतलब मेरे समझ से बाहर थी, तो इसमें एक भाई है अपने, वो सामने खड़े हैं। भैया भैया, ये इनके साथ में कुछ कुतुबमय हो रही थी चीजें, लोग तैश में आ रहे थे, तैश में आके लोग मतलब कुछ गलत ना कर बैठे, इस चक्कर में मैं रुका। तो यहाँ चीजों को हमने समझा कि भाई चीज क्या है, तो हम स्टेशन मास्टर के पास गए कि भैया आप अपना मतलब कंप्लेंट रजिस्टर दिखाओ, क्या चीजें दिखाओ, अगर जो बंदा मर गया है रेलवे क्रॉसिंग करने के लिए गलत है या सही, लेकिन चीजें जो हो रही हैं, लास्ट 2 साल से आपने ना एक्सीलेटर दिया मुमरा के पब्लिक को और ना ही कोई काम किया, तो उन्होंने अपने पूरे मतलब रिकॉर्ड शो किए, वो खाली डीआरएम ऑफिस जाती है, डीआरएम ऑफिस से चली जाती है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के पॉलिटिशियन खाली अपनी अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं, अगर देखा जाए तो खाली वो आते हैं और खाली एक्सीलेटर के नाम पे खेल कर रहे हैं, अपना वोट बैंक का काम, कोई वोट बैंक के लिए, सब हर कोई वोट बैंक के लिए कर रहा है। अगर देखा जाए एक्सीलेटर जो है बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन है एक्सीलेटर, ना कि अंदर बन रहा है, और लास्ट 2 महीने से काम कंटिन्यू चल रहा है। चाचू अकेले लड़ रहे, ये चाचू वो बंदे के लिए प्लेटफॉर्म पे उतर के मेरे पास पूरी वीडियो है, वैसे ही वीडियो बना रहा था, कोई साथ नहीं दे रहा, वो पुलिस वाला आके इनको हटाया, वो पुलिस वाले को मैंने बोला कि बोला तेरा मैनेजर किधर है, तो कुछ बता रहा ही नहीं है, ना ऑफिस बता रहा ना कुछ बता रहा है। पहली बात, प्लेटफॉर्म पे 4 साल से एक्सीलेटर लगा नहीं है, तुमने 6 महीना हो गया प्लेटफॉर्म चालू करके, तो तुमने एक्सीलेटर क्यों नहीं लगा? और जब एक्सीलेटर नहीं लगा तो तुमने प्लेटफॉर्म चालू ही क्यों किया? सही बात है ना, तुमने चालू ही क्योंकि जो मर रहे उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और मैनेजर बोलते हैं, जो यहाँ के मैनेजर है, जो मैनेजमेंट है, उनसे मैंने सवाल किया, जो भी है यहाँ पे, टाइगर मास्टर है, टिकट मास्टर है, जो भी है, मैंने उनको बोला बड़े बुजुर्ग कैसे आते जाते वो जरा दिखा दो। मैंने उनको सिर्फ एक ही सवाल किया, मैंने उनको सिर्फ एक ही सवाल किया कि आप यहाँ पर हो, मैनेजमेंट हो, आप मैनेजर हो, तो आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है वहाँ पे? तो बोलते हम कंप्लेंट कर चुके हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। मैंने 4 से 5 स्टेशन मास्टर मुमरा की कोई भी शिकायत आगे दर्ज कराते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, मुमरा के साथ पूरी तरह सौतेला। मैं एक सच बताता हूँ, 4 दिन पहले पटरी क्रॉस करने में 500
सच बता रहा हूँ, मैंने भरा। आप कलवा देखेंगे, वो पैसा तो मैंने यहाँ भरा ना, कंप्लेंट करने सीएसटी जाओ। आप जब नीचे उतरे जी तो आपको कांस्टेबल हटा रहा जी, तो एक्सीडेंट किस तरीके से और कैसे हुआ? सर कैसा हुआ, ट्रेन जा रही थी, हम लोग ट्रेन के ऊपर चढ़े, ट्रेन के ऊपर इमीजिएटली जैसे ही चढ़े तो वो बंदा इधर से क्रॉस कर रहा था और हम लोग की आंखों के सामने, मतलब वो डायरेक्ट नीचे चले गया और एक्सपायर हो गया। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि ट्रेन जब एकदम टर्निंग पे आती है फिर वो लोग हॉर्न बजाते हैं। अच्छा, हॉर्न आगे से बजाते हुए नहीं आते, एकदम मेन एकदम टच पे आते जब एकदम टच में आया, एकदम टर्निंग में आया फिर उसने हॉर्न बजाया। अभी गाड़ी स्पीड में रहती है, हाई स्पीड में रहती है तो सामने वाला आदमी ट्रेन देख के ही वो हो जाएगा ना, तो आगे पीछे जाएगा, डायरेक्ट वो आदमी का नुकसान हो जाता ना फिर भाई, वो आदमी फिर समझ में नहीं कि मैं आगे जाऊंगी पीछे जाऊँ, क्योंकि इतनी स्पीड में रहती और हॉर्न वो लोग पहले से नहीं बजाते, एकदम टर्निंग में आके फिर वो लोग हॉर्न बजाते। अभी जैसे आपने स्टेशन मास्टर से अभी बात की, विवाद किया, तो उसका अभी हल क्या? सर मेरा एक ही सवाल है, हमने दो ही मांग रखी है, हम लोग दो मांग रखे। पहला मांग तो ये है कि यहाँ पे जो ट्रेनें फास्ट चलाई जा रही है उसको यहाँ पे रोका जाए, क्योंकि 24 लाख की आबादी है मुंब्रा जैसे शहर में, तो यहाँ पे क्यों नहीं रोका जा रहा है? दीवा हुआ और बाकी शहरों में गाड़ियाँ वहाँ से बन के निकलती है, हम लोग को यही उम्मीद थी कि यहाँ पे जो दूसरा ट्रैक बन रहा है तो यहाँ पे ट्रेन बन के जाए, लोगों को सहूलियत मिलेगा, बराबर सहूलियत नहीं मिल रही, सहूलियत नहीं जान से खेला जाए। हाँ सहूलियत नहीं मिली तो आपको क्या सोचे अपन कि चलो भाई यहाँ पे गाड़ी फास्ट रुकेगी, भीड़ भी कम होगा और थोड़ा राहत मिलेगी अपने को, ना कि अपने को ये लग रहा था कि यहाँ पे मारने का प्लान बनाया जा रहा है, जो कि वहाँ पे ड्राइवर भी आता है तो मोटरमैन भी आता है तो हॉर्न बजाता है स्टेशन पे आके, और ऐसा हर दूसरे चौथे दिन यहाँ पे लोग मरते हैं। सब आरपीएफ, जब मैं वहाँ लड़ रहा था सब आरपीएफ भाग गए, पूरा प्लेटफॉर्म पे एक आरपीएफ नहीं करा मैं पूरा, हम पहले आरपीएफ पकड़ती थी पब्लिक को, आज हम पकड़ रहे आरपीएफ के भाई इधर आ इधर आ इधर। सर सीनियर मतलब आरपीएफ वाले एकदम पूरी तरह आपको प्लेटफॉर्म चालू करने से पहले लोगों को बोलना चाहिए था एक्सीडेंट लगाना चाहिए, हमारी माँ बहने ऊपर चढ़ती है, पहली बात तो चलो यहाँ था तो फिर समझ में आता है फास्ट ट्रेक के लिए वहाँ था, आपने फास्ट ट्रेक यहाँ करा स्लो वहाँ करा तो एक्सीडेंट तो चालू करो। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के जो प्रतिनिधि आप मिनिस्टर भी रहे, जब ये प्लेटफॉर्म चालू हो रहा था आपको इसका निरीक्षण करना चाहिए था आपके, हालांकि आपके हाथ में नहीं आता, लेकिन आप यहाँ के MLA और यहाँ के मंत्री थे, आप यहाँ के मंत्री थे, कम से कम आपको निरीक्षण करना चाहिए था। आज जो लोग यहाँ पे परेशान होते भटकते हैं, गाड़ी तो टाइम पे आती नहीं, 12 मिनट 20 मिनट 25 मिनट लेट, कोई यहाँ मर जावे ऑपरेशन उसका होने वाला है वो बच उस नहीं पाता, कोई चीज सुविधा नहीं। ये जो बिल्डिंग जो है ना, ये बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है, जर्जर हो चुका। महोदय एकनाथ शिंदे जी आप यहाँ के हैं और यहीं से मुख्यमंत्री भी आप हैं, आपसे भी मेरी मांग है, अनुरोध है कि मुंब्रा वासियों के लिए कुछ करिए आप। यहाँ 2.5 करोड़ रुपया हर मंथली यहाँ का कवर है, हर मंथली 2.5 करोड़ रुपया लोग यहाँ पे भरते हैं, टिकट लेते हैं और जाते हैं, सहूलत के नाम में कोई चीज नहीं है। श्रीकांत शिंदे जी आप लोगों की आवाज लेके जाते हैं, उन्होंने एक्सीलेटर की भी बात की थी मगर आज तक वो एक्सीलेटर लगा नहीं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें, क्या मैसेज? श्रीकांत शिंदे जी से कहना चाहूंगा कि आप यहाँ के मुख्यमंत्री हुए हैं, अगर आपका फर्ज बनता है कि आपका पड़ोसी मुंब्रा जहाँ के आप मतलब रहने वाले हो, खाना के रहने वाले हो, तो आपका फर्ज बनता है कि हमारे आसपास के स्टेशन या आसपास के माहौल कैसे है उस पे हम काम करें। लेकिन आप खासदार होने के बावजूद आपका ध्यान आपकी पब्लिक पे नहीं है, आप खाली वोट के लिए लड़ते हो, आपको वोट मिलता है उसके बाद आप काम करने के लिए अगर देखा जाए तो काम करने के लिए एक अवार्ड को अगर छोड़ दिया जाए शायद मुंब्रा में कोई नहीं जाता, सब अपनी अपनी रोटियां सेक के बाकी चीजें साइड में रखते हैं।